नमस्कार, आप सभी का लव इनफाइनाइट चैनल पर हार्दिक स्वागत। मैं लक्ष्मी नेगी आज एक नया ही टॉपिक लेकर आई हूँ। तो सवाल है शैली जी का। शैली जी ने सवाल किया है कि एक्वेरियन एज क्या है, क्या हम अभी एक्वेरियन एज में चल रहे हैं या एक्वेरियन एज आने वाली है। आपने सुना ही होगा एक्वेरियन एज के बारे में, हिंदी में कहें तो कुंभ युग कह सकते हैं इसे, ठीक है। तो क्यों बहुत से लोग, आप मुझे बताइए कि इतना ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्यों इतनी सोल इवॉल्विंग हो रही है, क्यों इतना ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स के बारे में बहुत लोगों को पता चलता जा रहा है, क्यों एंजल नंबर्स हमें बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कुछ लोग ट्विन फ्लेम का नाम लेते हैं, कुछ लोग बिना नाम लिए एंजल नंबर्स पर बना रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर वीडियोज बना रहे हैं। क्यों अवेकन हो रही है दुनिया इतना ज़्यादा? इसका कारण है जब हम सब कुछ यूनिफाइड फॉर्म में हो जाते हैं, अपने दिल से जुड़ जाते हैं, तब ये सब ड्रीम के थ्रू भी हमें क्लियर होता चला जाता है। ड्रीम्स आ रहे हैं ना आपको, बहुत सारे ड्रीम्स आपको दिख रहे होंगे कुछ अलग अलग तरीके से। जब अब आपको लगता है कि दुनिया पूरी तरह से क्राइसिस होने वाला है और दुनिया ख़त्म होने वाली है, वो वाला संकेत नहीं। जबकि आपको लगता है दुनिया एक तरफ से ख़त्म हो रही है बट न्यू बिगिनिंग है, जब न्यू बिगिनिंग का साइन है तो एक्वेरियन एज आ रही है। सभी तरह के डिफरेंसेस होते हुए भी और ड्यूअलिटी होते हुए भी आप कुछ ना कुछ सच्चाई की तरफ बढ़ रहे हैं। हर किसी इंसान के अंदर सच्चाई की एक इन्वोक हो रहा है कि यस दिस इज सच्चाई, चाहे वो पॉलिटिक्स के बारे में हो, फैमिली के बारे में, कार्मिक लोगों के बारे में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में। और इंडिविजुअल वर्थ कम्स फ्रॉम इनसाइड, फ्रॉम व्हाट वी हैव इनसाइड थ्रू आवर डेवलपमेंट। अब तक हमने क्या डेवलपमेंट किया है, अपने लिए क्या कुछ नया क्रिएट किया है, और अब हमारा परिवर्तन ड्रास्टिकली हो रहा है कि नहीं, ये आप जान रहे हैं कि नहीं। और वी कैन से वी इंटीग्रेट इनटू द होल, जब हम पूरी तरह से अपने एक बहुत ही खूबसूरत एनवायरनमेंट में आ जाते हैं, चाहे दुनिया कुछ भी कहे, तो यही है एक्वेरियन एज। यूनिवर्स का जो जितनी भी बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, ये परम एनर्जी, परम शक्ति में जब हम जुड़ जाते हैं, कॉस्मिक स्पिरिट के साथ हम मर्ज हो रहे हैं, तो यही है एक्वेरियन एज। हो रहे हैं ना? हो रहे हैं बिल्कुल। अधिकतर लोग क्यों भक्ति की तरफ जा रहे हैं, शक्ति की तरफ जा रहे हैं, शिवा की तरफ जा रहे हैं? क्यों अधिकतर लोग शिव पर गाने बना रहे हैं, शिव पर भजन कर रहे हैं? क्यों यंगस्टर्स भी भजन कर रहे हैं? रीजन, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, ये एक्वेरियन एज के कारण हुआ है। कई वर्षों में ये सब चीज़ें और भी ज़्यादा बदलने वाली है। बहुत एक्सपर्ट ज्योतिषियों का कहना है कि पृथ्वी के धीमी गति से पूर्व घूर्णन करने के कारण यह सब हो रहा है और औसतन 2160 वर्षों तक ये रहता है। मतलब पृथ्वी का धीमी गति से पूर्व की ओर 2160 वर्ष तक होता है घूर्णन, मतलब घूमना। इसीलिए एक्वेरियन एज पाइसिस एज का अनुसरण करती हुई नजर आती है। अधिकतर आप लोग पाइसिस भी होंगे, जितने भी एक्वेरियस हैं या स्पाइसिस है, इनकी एनर्जी बहुत अपसर्ज हो रही है, रैपिडली आपके अंदर कॉन्शियसली चेंज आ रहा है। और बहुत ही इमोशनल लोग जो भी अभी तक रहे हैं 20-22 साल से, वो ड्रास्टिक चेंज हो रहा है उनके अंदर कि नहीं बस अब बहुत हुआ, वो वाली एनर्जी आ रही है ना आपके अंदर। अब कितने ही सालों से चाहे आप जीवन में मात खा रहे हैं या मार खा रहे हैं, विजेता हो साबित होंगे। और ये वाला साल ये वाला जो एज है एक्वेरियन एज, ये स्त्रियों के लिए ज़्यादा कॉन्शियसली आगे बढ़ा रहा है स्त्रियों को, तो अधिकतर स्त्रियों का बोलबाला रहेगा जो कि रह रहा दिख ही रहा है। यदि आपको टैरो या एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर संपर्क करें कि क्या फीस है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या टाइमिंग्स है, तो उस हिसाब से फीस सेंड करके आप अपना सेट कर सकते हैं मेरे साथ गेट टुगेदर, बात करने का 1-to-1, ठीक है। दीना जी का सवाल ले लेते हैं कि इन्होंने पूछा है कि एक्वेरियन एज में क्या वाकई हम रीयूनाइट होंगे अपने ट्विन फ्लेम के साथ? क्या ये रीयूनियन इस जन्म में हो जाएगा, इस एक्वेरियन एज में होगा? तो दीना जी धन्यवाद है आपका सवाल करने के लिए। काउंटलेस जन्मों से आप ट्विन फ्लेम के साथ बढ़ते चले जा रहे हैं। रेडियो एक्टिव तरंगों के साथ आपके अपने थॉट्स, आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, चाहे वो टेलीपैथिकली जुड़े हों, रेडियो एक्टिव ली आप जुड़े हों, आप एक दूसरे से जुड़े जरूर रहते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पिछले जन्म में भी फेस टू फेस मिले हों, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है इस जन्म में मिले हों, चाहे कितना ही एज गैप हो, इस जन्म में मिले हैं। इस जन्म में मिलने के बाद आपके ऊपर ये अब डिपेंड करता है कि आपने अपने पास्ट की लाइफ के नेगेटिव कर्मास को
हील करने के लिए आए हैं या अब इस जन्म में और भी ज्यादा नेगेटिविटी को और नया मोड़ देना है, नया क्रिएट करना है, तो ये चीज है। तो आपने अपने ऊपर ध्यान देना है कि मेरे इमोशंस कहाँ जा रहे हैं, चेतना का स्तर आपका कहाँ जा रहा है, चेतने का स्तर में वाकई सुधार आ रहा है कि नहीं, अब तक चैलेंजेस आपने अपने लाइफ में स्वीकार किए हैं कि नहीं, स्वीकार करते हुए लव एंड हार्मनी के साथ अनकंडीशनल लव में यदि आप बहते हैं कि कोई बात नहीं, ट्विन फ्लेम आए ना आए, आई एम हैप्पी, ये वाली अगर फीलिंग है तो पास्ट लाइफ कर्मा को आप हील कर चुके हैं और आपने अपने ट्विन फ्लेम के भी पास्ट लाइफ कर्मास को साथ ही साथ हील करते हुए सोल मिशन पर जाना है एंड देन वायलेट फ्लेम की तरफ बढ़ना है। वायलेट स्पिरिचुअल फ्लेम है या ये कहें कि फायर है जो एक्वेरियन एज में शुरू हो चुका है। अधिकतर आप सुनते होंगे ना वायलेट फ्लेम या वायलेट फायर, ये स्पिरिचुअल फायर है। ईश्वर ने मनुष्य को इतना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में ढाल दिया, जैसे आप कहते हैं ना कि हम तो हैं तो मनुष्य ही ना, हम क्या सोचेंगे, हम तो यहीं तक रह सकते हैं, नहीं, मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो ही मनुष्य इंसान से डेटी की तरफ बढ़ सकता है, मतलब ईश्वर तुल्य हो सकता है और चाहे तो शैतान भी बन सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ब्रह्मांड या यूनिवर्स हमेशा एक शक्ति आपके ऊपर प्रभावित कर रहा है। अब आपके अंदर जितने भी इरिटेशन डाउट्स हैं तो वो सारी चीज़ें आपने लव पीस एंड क्लैरिटी में बदल सकते हैं। और इस एक्वेरियन एज में आपको हो रहा है कि इतने सालों से आप डर में थे, इरिटेशन में थे, डाउट्स में थे, लेकिन आपका टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं, अब आप पूरी तरह से चेंज हो रहे हैं। बरसों से आप इसी चीज़ के इंतज़ार में थे, बहुत से लोग कोविड के इंतज़ार में थे जैसे मैं थी, मुझे लगा कि हाँ ये कोविड का टाइम आ गया, सब कुछ लॉकडाउन हो गया, अब आया है टाइम जीने का। तो ये बात है, अगर आपको भी ऐसा ही लगा होगा तो बिल्कुल सही चल रहे हैं आप। 1999 याद कीजिए, 2012 याद कीजिए एंड 2020 ये भी याद कीजिए। आपके जीवन में यदि मेजर शिफ्ट लेकर आया है, किसी भी प्रकार का मेजर शिफ्ट आपके थॉट्स में, आपके घर में, इन तीनों इयर्स में अगर आपका मेजर शिफ्ट हुआ है, आपका दृष्टिकोण बदला है, तो समझ लीजिए कि ये आपकी एक्वेरियन एज शुरू हो चुकी है। ये बदलाव आपके लिए ईश्वर का द्वारा दिया गया गिफ्ट्स हैं ये। इसको आप अगर कर्स करते ना, ओहो मेरे जीवन में ये क्या आ गया, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो तैयार हूँ, मैं वायलेट फ्लेम के लिए भी तैयार हूँ, मैं नया चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पेन नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होगा, नो पेन नो गेन। तो जब तक आप अपने आप से यूनियन या रीयूनियन प्राप्त नहीं कर लेंगे ना, तब तक आपका ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरीके से पक्का नहीं हो सकता। कोकून बनना पड़ेगा, बटरफ्लाई बनना है ना, उड़ना है ना, तो कोकून बनना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, उसके बाद ही आपका अल्टीमेट यूनियन पहले गॉड से होता है एंड देन आपके ट्विन फ्लेम से होता है। तो जी हाँ दीना जी, आपके सवाल का जवाब यही है कि एक्वेरियन एज में ट्विन फ्लेम का वाकई यूनियन फिजिकल रूप में ज़रूर होगा। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दिया है, ह्यूमैनिटेरियनिज्म पर आप काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आप काम कर रहे हैं, ईश्वर की तरफ आप जुड़े हुए हैं और आपको लगता है कि बस मुझे ईश्वर ही चाहिए और कुछ नहीं, तो ये था एक्वेरियन एज के बारे में। और रेडियो एक्टिवली आपका अपने ट्विन फ्लेम के साथ हमेशा बरसों से जुड़े रहने का राज तो आज मैंने खोला है इस वीडियो में। आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ भी आया होगा और पसंद भी आया होगा। समझ और पसंद आया है तो शेयर जरूर करें और आपस में डिस्कस करें अगर आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं तो। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि ट्विन फ्लेम्स हैं आपके फ्रेंड्स तो उन्हीं से डिस्कस कीजिएगा, जो नॉन ट्विन फ्लेम्स हैं उनके साथ ये बातें डिस्कस मत कीजिएगा, प्रॉब्लमेटिक आपके लिए सिचुएशन हो जाएगी और आपका जो हार्मनी में चल रहे थे ना अभी आप, वो डिसहार्मनी में आप आ जाएंगे। तो इसलिए डिसहार्मनी में ना आने के लिए आप जितना हो सके शांत रहें, चुप रहें। इस समय रोना आ रहा है, पजिंग हो रही है, सोल क्लिंजिंग चल रही है, पेन हो रहा है, हार्ट एक हो रहा है, इट्स ओके, ये सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा है, आप बिल्कुल सही प्रोसेस में चल रहे हैं, इसका अंत बहुत अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद, नमस्कार।